सत्येंद्र जी, ये तो सच है कि उनके जीवन को लेकर उन्होंने जो काम किया है, जो देश हित में, राष्ट्र हित में उनका जो जीवन समर्पित रहा, और देखिए ना, अंतिम क्षण में भी 3 घंटे पहले जो जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उन्होंने ट्वीट किया और वो भी उसके लिए बधाई दी 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 2 अलग अलग भाषाओं में ट्वीट किया। ये दिखाता है कि जिस वक्त हम ये समझ रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जीवन कैसा बीता, हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि एक पड़ाव पर आकर आज हम जिस जनरेशन को देख रहे हैं, काफी सारी चीजें उस समय दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन तब भी उनके दोनों दिमाग में राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्रहित था, जिसको लेकर उन्होंने अंतिम अपनी बात ट्विटर के जरिए रखी। बिल्कुल पारुल जी, और जो ट्वीट है, देखिए उसका भाषा यही थी कि धन्यवाद मोदी जी, आपने हमको जीते जी कश्मीर को यूनाइट करके दिखा दिया, धारा 370 वहां हटा के दिखाई, ये जीते जी हो गया। और बड़ा दुखद हो गया कि वो जो ट्वीट है, इट इज मेमोरेबल हो गया वो, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था। मुझे तो समझ में, मैं तो स्तब्ध हूँ और सभी लोग, पूरी सभी देश स्तब्ध है, दुखी है। एकदम से क्या हो गया उनके स्वास्थ्य को और कैसे वो प्रयाण कर गई, अनंत यात्रा पर चली गई। तो ये वो जो ट्वीट है, वो ट्वीट ऐसा लगता है कि शायद उनको पता था, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एकदम से कार्डियक अरेस्ट जब जो इस तरीके से जो बताया डॉक्टर्स ने, तो ऑल ऑफ सडन ये सब हुआ है। उनका जो ट्वीट है वो अब मेमोरेबल हो गया, और हम सभी के लिए भी जो उनका प्रेरणा स्रोत है, और जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो दर्शन और जो चिंतन दिया है, वो जिस तो वो लोक माता या भारत माता के रूप में स्थापित हुई हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ पारुल जी, कि उन्नत ललाट मुख माथा, कहता है गुण गौरव गाथा, नयनों की पावन दृष्टि, दृष्टि में सिमटी सृष्टि, चरेवेती चरण चले जो, उनमें ही हमें शरण दो। इसी प्रकार से हम सब कार्यकर्ता भी उन्हीं के जो जो बताया हुआ रास्ता है, जो उनकी दृष्टि थी, जो उनका विजन था, उस विजन पे हम लोग चलें और देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाएं, समुन्नत राष्ट्र बनाए, विश्व वंदनीय बनाए, अभिनंदनीय बनाए, ये तभी हम ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको दे सकते हैं।